पूरे देश में जो बाढ़ की स्थिति बनी है, जिस प्रकार से आखिरी खबर आने तक 423 भारत के नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिनमें से 182 के करीब अकेले केरल में हैं, जहां बाढ़ की स्थिति सबसे विकट और मुश्किल की है। अकेले केरल में ये अनुमान है कि 2 से 3 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, जान माल के नुकसान के अलावा। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी है कि केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और भारत सरकार प्राथमिकता से मदद करे। 3 हजार करोड़ के नुकसान के मुकाबले में आज तक मात्र 100 करोड़ का रिलीफ भारत सरकार ने दिया है, ये नाकाफी है। ये भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने अनुरोध किया है कि बाढ़ राहत में राजनीति नहीं हो सकती, बाढ़ राहत में भाजपा और गैर भाजपा सरकारों में भेदभाव नहीं हो सकता।